हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा है बहुत बढ़िया होगे। आज हम आपके साथ बनाने जा रहे हैं मटर और पनीर की रेसिपी। ये देखिए, पनीर को हमने पानी में भिगो के रखा था, इसको अब मैं पानी से निकाल लेती हूँ। और इधर देखिए, मैंने दही ली हुई है। इस तरह अगर आप पनीर बनाएंगे ना, बहुत ही टेस्टी लगता है। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पुदीना, आप इसकी जगह धनिया भी डाल सकते हैं। ये देखिए, थोड़े से नॉर्मल हमने मसाले ले लिए हैं। पिसा धनिया है, लाल मिर्च है, खटाई है और जीरा पाउडर है। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, बैटर मैंने तैयार कर लिया है और इसको हम पनीर में लगा लेते हैं। ये बहुत ही बढ़िया टेस्टी एकदम मटर पनीर की सब्जी बन के रेडी होएगी। पनीर के हमने अभी टुकड़े नहीं करने हैं, इसको ऐसे ही इसमें लगा के 10 मिनट के लिए हम ऐसे ही रख देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, एक कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया है। तेल आप अपने हिसाब से जोन सा आप यूज़ करते हैं वो डाल सकते हैं। अब इसको हमने रख दिया गर्म होने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इधर तड़का लगाने के लिए हमने ये टमाटर के ऊपर का काट लिया है और इसको ऐसे एक टमाटर के दो भाग कर लिए हैं। और इधर देखिए, थोड़ी सी हमने अदरक जो इस तरह हमने काट ली है, और ये अपने तीखे के अकॉर्डिंग आप हरी मिर्च ले लें, और इसको मैंने एक के दो भाग कर लिए हैं। अब इधर देखिए फ्रेंड्स, ये तेल भी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें ये पनीर का टुकड़ा ऐसे ही हम इसमें डाल देते हैं और इसको 2 मिनट के लिए ढक देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको ऐसे ही हमने फ्राई करना है पूरा पूरा पनीर। और अब इसको हम धीरे से पलट देते हैं। अब ऐसे ही हम दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। इधर से भी हम इसको ढक देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, पनीर हमारा कितना ही बढ़िया फ्राई होके रेडी हो गया। इसको अब हम निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तेल में हम ये टमाटर डाल देते हैं। अगर आपको तेल और इसी के साथ ही हम ये अदरक और हरी मिर्च भी डाल देते हैं। अब इसको हम ढक देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने नॉर्मल ये सूखे मसाले ले लिए। ये लाल मिर्च है, ये पिसा धनिया, हल्दी पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग है, ये है काली मिर्च पिसी हुई और ये है किचन किंग मसाला। ये सारे मसाले भी हम इसमें डाल देते हैं। इसमें नमक भी है तो ये टमाटर अच्छे से गल जाएंगे। और इसको एक बार हम हिला देते हैं। हमने बिल्कुल इसमें प्याज और लहसुन का इस्तेमाल किया ही नहीं है। देखिएगा तो भी ये सब्जी हमारी कितनी टेस्टी बन के रेडी होती है। ये देखिए, ऐसे हम रख देंगे ताकि टमाटर का छिलका भी आसानी से निकल जाए और ये टमाटर गल भी जाए। नमक हमने ऑलरेडी इसमें डाल दिया है। इसको अब हम सिम आँच करके ढक के रख देते। और जितनी देर में हमारा उधर मसाला भून रहा है, इसके हम पनीर के पीसेस कर लेते हैं। और बहुत ही आसानी से ये पनीर के पीस हो जाते हैं। ये देखिए, आपको जिस शेप में काटने हो उसी शेप में आप आसानी से काट सकते हैं। ये देखिए, ये वाली सब्जी हमारी बहुत ही जल्दी बन के रेडी होती है। और दूसरी तरफ हम एक बाउल में ले लेंगे मटर, जो ये ताजे मटर है, इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के गैस के ऊपर रख देते हैं बॉईल होने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब इसको हम देखते हैं, टमाटर के छिलके भी अलग होते नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, इन छिलकों को हम चिमटे की या चम्मच की सहायता से अलग कर लेते हैं।
और ये बहुत ही आसानी से देखिए अलग हो जाते हैं। ये इसी तरह हम सारे छिलके अलग कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके छिलके हमने सारे अलग कर दिए। अब इसको हम ऐसे दबा के टमाटर को गलने के लिए छोड़ देते हैं और इसी के साथ हम डाल देंगे मटर को जो हमने बॉयल किए हैं छान के। ये देखिए, और मसाला भी अच्छे से हमारा रेडी हो गया है। और इसी में हम डाल देंगे पहले हम कड़ी पत्ता, जो हमने जिस जो इसमें टेस्ट बहुत ही गजब का आएगा कड़ी पत्ता डालने से। ये देखिए, अब हम इसमें मटर डाल देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मटर डालने के बाद हम इसी के साथ ही पनीर भी डाल देते हैं जो हमने फ्राई किया था, और इसको अच्छे से हिला के ताकि ये मसालों में, पनीर और मटर में नमक और मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसको हम 5 से 6 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं अभी। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें ग्रेवी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसको रोटी के साथ खा रही हूँ इसलिए मैं इसमें ग्रेवी ज़्यादा नहीं करूँगी। अगर आप चावल के साथ खाएं तो इसमें आप ग्रेवी और बढ़ा सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया और साथ में गार्निश के लिए डाल देंगे ये मोटी मिर्च हरी वाली, बहुत ही टेस्टी लगती है और ये मिर्च तीखी नहीं होती। ये देखिए, बहुत ही टेस्टी हमारी सब्जी बन के रेडी हुई है। इस तरह अगर आपको बनाई हुई सब्जी मेरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।